और सट्टे को लेकर शिकायत करना एक युवक को इतना भारी पड़ गया कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मामला कल देर रात का बताया जा रहा है, जब जुआ और सट्टे के कारोबार में संलिप्त कुछ लोगों ने मिलकर एक युवक के साथ गंभीर तरीके से मारपिटाई कर दी। हालांकि उन लोगों का मकसद लड़के को जान से मारना था, लेकिन वे उसे पूरा नहीं कर पाए। इस हमले के बाद युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसे सर में गंभीर चोटें आई हैं। इसके साथ ही दोनों पैरों में टांके भी लगे हैं। बता दें कि कैंट थाना क्षेत्र में रहने वाले जावेद ने पहले कई बार पुलिस अधीक्षक एवं प्रभारी मंत्री को जुए एवं सट्टे के कारोबार में संलिप्त लोगों की नामजद शिकायत की थी। वहीं कल देर रात बबलू सूखा एवं अन्य लोगों ने, जो कि जुए के कारोबार में संलिप्त हैं, उन्होंने पकड़कर जावेद को लोहे की रॉड एवं डंडों से बुरी तरह से मारपिटाई कर दी, जिसके बाद जावेद ने वहां से जान बचाकर भागना ही उचित समझा, जिसके बाद वे अपने परिजनों के साथ पहुंचकर कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बबलू सूखा एवं एक अन्य आरोपी पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं जावेद की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उसके सर एवं पैरों में गंभीर चोटें हैं। मामले के दर्ज होने के बाद से ही बबलू सूखा फरार चल रहा है, वहीं पुलिस उसे सरगर्मी से ढूंढ रही है। कन्या विद्यालय स्कूल के पास में खड़ा था, चार पांच लोग आए, संग्राम सोलंकी, बबलू सोलंकी, दीपक, रिंकू सेन और इमरान मेंगो, इन्होंने आगे मेरे संग गाली गुफ्तार की और हम तो जुआ चलाएंगे, तू हमारी शिकायतें कर करके क्या हो रहा है, तूने इतनी शिकायतें कर दी, आज तक हमारा आदमी भी नहीं उठा और ये और वो, और ये फिर मुझे मारना चालू हो गए। किस चीज़ से हमला किया? मुझ पर वो ना ट्रैक्टर की जो पटली रहती है ना, एक वो थी और दो लट थे मेरे मार के, और फिर लोग मैं भागा एकदम से, तो फिर जो लोग है ना तितर बितर हो गए थे, फिर हमारे घर से आए तो लोग अपने अपने घर जा चुके थे। फिर हम पुलिस थाने पहुँचे और ये भी बात कंटिन्यू है कि कुछ भी मैं इससे पहले भी अपने जयवंत सिंह पवैया जी को, मंत्री जी को भी आवेदन दे चुका हूँ उनके उसमें, और अपने पूर्व मतलब जो पहले जो इससे एसपी थे उनको भी मैं दे चुका हूँ। तो इस तरीके से इन्होंने मेरे संग दुर्घटना वो रंजिश निकाल ली है। पुलिस ने मामला दर्ज करा कि नहीं करा? पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, कॉपी नहीं दी अभी, अभी कॉपी हमको नहीं दी है। कल रात को लगभग 11:30 बजे घायल अवस्था में जावेद खान निवासी कालापट्टा थाने पर आया था, सर से बहुत ज़्यादा खून निकला था, उसे तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। वहाँ पर जाकर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह कैट पेट्रोल पंप के पास वाली जो रोड है वहाँ पर गाड़ी से होकर बाथरूम कर रहा था, तभी बबलू सूखा और उसका साथी रिंकू चेरा दोनों आए, पहले उसे मारे, पैर पर मारे, जब वो पलटा तो उसको उसकी जान लेने की नियत से उसके सर पर वार की। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कैंट में अपराध क्रमांक 92 पंजीबद्ध किया गया है और धारा 307 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, मुख्य धारा 307 है। किस चीज़ से हमला किया सर? डंडे से। आरोपी अभी गिरफ्तार हुए क्या? नहीं, आरोपियों की लगातार राष्ट्रीय गिरफ्तारी के सतत प्रयास किए जा रहे हैं, अभी तक आरोपी मिल नहीं सका है, शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।